संसद की सुरक्षा में हुई चूक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब एक ओर इस पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इतनी बड़ी साजिश की पड़ताल में लगातार लगी हुई हैं। एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आखिर कैसे महेश वो शख्स था जिसे आना था लेकिन वो आया नहीं, लेकिन उसको ये कहना था कि जब अगर हम भागते हैं तो तुम हमारी मदद करोगे। फिर महेश ने छिपने में मदद की ललित को, जब वो राजस्थान पहुंचा तो उसको छिपने में मदद की। और उसके बाद इस पूरे वाक्य में महेश का एक चचेरा भाई भी है जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस की टीम ट्रैक करते हुए सबसे पहले महेश के भाई तक पहुंची थी। और जब उस तक पहुंची तो पता लगा कि महेश और ललित दिल्ली सरेंडर करने जा चुके हैं। इस पूरी साजिश के सबसे अहम सबूत आरोपियों के मोबाइल फोन को माना जा रहा था, लेकिन यहां पुलिस को ललित ने एक बड़ा झटका दिया है। ललित झा के पास इस सारे आरोपियों के मोबाइल थे और ललित ने पुलिस को बताया कि उसने मोबाइल नष्ट कर दिए हैं। घटना के अगले ही दिन सुबह ललित मोबाइल को नष्ट करने की बात कह रहा है। ऐसे में पुलिस को शक है कि ललित गुमराह भी कर सकता है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी हालत में जो फोन है वो बरामद हो सके। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि घुसपैठ का प्लान बी भी तैयार था। प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते और नारेबाजी करते। 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम विकी के घर पर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद ललित ने छिपने का प्लान बनाया। इस प्लान में महेश को जिम्मेदारी दी गई कि जब वो पुलिस से बचकर दिल्ली से निकलेगा तो राजस्थान में छुपने में मदद करे। बहरहाल जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है, क्योंकि मामला संगीन है और आरोपी सामान्य नजर आ रहे हैं। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो संसद कांड की साजिश को पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया, अंजाम दिया गया। करीब 1.5 साल सोशल मीडिया के जरिए मिले, फिर साजिश के लिए चुनिंदा लोगों के नाम तय किए गए, बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया। प्लानिंग ऐसा कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। अलग अलग शहरों के सामान्य से दिखने वाले शख्स कैसे देश की सबसे सुरक्षित इमारत में घुसपैठ में कामयाब हुए, कैसे की गई पूरी प्लानिंग, अब एक एक करके सारे तार जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई महीनों पहले से तैयारी की जा रही थी। पूछताछ में सामने आया है कि सभी आरोपी एक फेसबुक पेज के जरिए संपर्क में आए। भगत सिंह फैन क्लब नाम से एक पेज बनाया गया जिसमें कई लोग जुड़े थे। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े लोगों को चुनकर शामिल किया गया। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल संसद कांड की साजिश रचने के लिए किया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि संसद कांड के लिए 5 से ज्यादा लोगों को तैयार किया जा रहा था। शुरुआती जांच से पता चलता है कि लखनऊ का रहने वाला सागर उन शुरुआती लोगों में शामिल था जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया। सोशल मीडिया पर सभी एक दूसरे से जुड़े रहे और करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मुलाकात हुई। मैसूर में हुई मुलाकात के कुछ महीने बाद एक बार फिर सभी मिले और संसद में घुसपैठ की प्लानिंग शुरू हुई।
इस दौरान संसद में दो बार रेकी की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि संसद के बजट सेशन के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया, संसद की पूरी रेकी की, जबकि जुलाई महीने में लखनऊ के सागर ने संसद भवन की बाहर से रेकी की। रेकी में पाया गया कि संसद में जूतों की चेकिंग ठीक से नहीं होती है, ऐसे में खास जूते बनवाए गए। जूते के अंदर के तलवे को काटने से एक कैविटी बनी हुई पाई गई है ताकि कलर हैंडल को छिपाया जा सके। कैविटी को सहारा देने के लिए नीचे अतिरिक्त रबर सोल लगाने से जूतों के सोल की मोटाई भी बढ़ी हुई पाई गई। वहीं स्मोक पाउडर को भी खास जूतों की डिजाइन के हिसाब से तैयार किया गया। जो जानकारी मिली है कि किस तरीके से बकायदा ये जूतों के नीचे कैविटी बनाते हैं और कैविटी बनाकर जो कलर वाला पटाखा है वो अंदर लेकर जाते हैं और प्रॉपर एक नहीं दो तीन बार रेकी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी किसी भी जगह की प्रॉपर रेकी करते हैं ताकि वहां पर बम कैसे रखना है, पुलिस से कैसे बचना है, सीसीटीवी में कैद नहीं होना है। लखनऊ में संसद हमले के आरोपी सागर शर्मा के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक सागर शर्मा जब बेंगलुरु आटे की फैक्ट्री में काम करने गया था तब वो एक शख्स से मिला था जिसकी वजह से वो लखनऊ फ्लाइट से आता जाता था। इसके बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है कि फ्लाइट में कौन लखनऊ भेजता था इसे। इसके साथ ही पुलिस को ये भी जानकारी मिली है सागर शर्मा की एक शख्स से बेंगलुरु में मुलाकात हुई जिसे वो बात भी लगातार करता था। लखनऊ पुलिस सागर शर्मा का अकाउंट भी खंगाल रही है, उसमें कितना लेन देन हुआ है। सवाल ये है कि आगे क्या ये करना क्यों चाहते थे। कोई भी अगर एक्ट होता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन अभी मोटिव साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मोटिव पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्यों जो जिस नौकरी की बात कर रहे हैं क्या वही वजह थी, क्योंकि पुलिस ने जब इन सबके बैकग्राउंड खंगाले तो वो पुलिस को काफी हद तक सही नजर नहीं आ रहा। सोचिए संसद में घुसपैठ की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि सुरक्षा एजेंसियों को कानो-कान खबर तक नहीं लगी। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।